Welcome you all, new and old students, in this online digital learning process. Hi, my name is Sunil Kaushal and I'm your new computer science lecturer. As you better know that we are facing a very pandemic problem, COVID-19, that is affecting each and every individual on this earth. According to expert, only social distancing is the way to protect each and every individual on this earth right now. Therefore, Education Department of Himachal Pradesh is going to give you online or digital learning at your home to stay safe and healthy. So let's start with our syllabus introduction. इलेवेंथ क्लास में टोटल 7 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें हम कंप्यूटर के जो भी आधारभूत या उसके जो मौलिक सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल है. थर्ड यूनिट डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, एलिमेंट्री. फोर्थ यूनिट डिजिटल इमेज एडिटिंग है. फिफ्थ यूनिट HTML fundamentals है. सिक्स्थ यूनिट एडवांस्ड वेब पब्लिशिंग है, JavaScript. सेवन्थ यूनिट मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, साउंड एंड वीडियो एडिटिंग है. तो चलिए हम हर एक यूनिट की इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि हर एक यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हर एक यूनिट हमारे लिए क्या नई नई चीजें लेकर आई है. हमारी फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के मौलिक सिद्धांत. इस यूनिट के अंदर हम कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की जो भी जनरेशन रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो प्रेजेंट जनरेशन चल रही है उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बाइनरी एंड डेसिमल कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को करेंगे कि बाइनरी किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट होती है और डेसिमल किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है और वो है बाइनरी. ठीक है, इस बाइनरी को किस तरह से ये डेसिमल में कन्वर्ट और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे. जैसे ये सारी की सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनके बारे में हम सारा पढ़ेंगे इस यूनिट के. इसके बाद ये सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, ये सारा हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ेंगे. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा हम मेमोरी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें रैम क्या होती है, रोम कैसी होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. मेमोरीज, सेकेंडरी मेमोरीज कौन कौन सी होती है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जो भी DVD CD होती है, सबके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. इसके अलावा जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में कंप्यूटर किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरह से ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है और बाइनरी को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को किस तरह से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को किस तरह से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करता है, तो ये नंबर सिस्टम के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. उसके बाद आती है हमारी सेकेंड यूनिट, हमारा सेकेंड चैप्टर डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल्स. इसके अंदर हम इंटरनेट के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, वेब ब्राउजिंग के बारे में पढ़ेंगे, वेब सर्च इंजिन्स के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरह से
डेटा को जो है हम ट्रांसमिट करते हैं वो सारे के सारे मीडियम्स के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज करता है करते हैं, इसमें वायर्ड कौन से होते हैं और वायरलेस कौन से होते हैं, सबके बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। नेटवर्क की क्लासिफिकेशन क्या है, लैन मैन वैन पैन, जो कि आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। सर्च इंजिन्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, इन सबके बारे में पढ़ेंगे। वेब ब्राउजर्स किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं वेब ब्राउजर, इनके बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें हम पेज मेकर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि पेज मेकर से किस तरह से न्यूज़पेपर बनते हैं, वेडिंग कार्ड्स किस तरह से बनते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स कैसे बनते हैं, पोस्टर्स कैसे बनते हैं, एफिडेविट्स कैसे बनते हैं, इनविटेशन कार्ड्स कैसे बनते हैं, सारा काम पेज मेकर के अंदर होता है, ये हम इस थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट आएगी, हमारा फोर्थ चैप्टर है डिजिटल इमेज एडिटिंग, एडोब फोटोशॉप। इसमें हम एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एडोब फोटोशॉप के अंदर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बनाते हैं, इमेज में किस तरह से एडिटिंग करते हैं, किस तरह से हम फेसेस को भी रिप्लेस करते हैं, किस तरह से ग्राफिक्स में हम काम करते हैं, ग्राफिक्स में जो भी एडिटिंग का काम होता है, फॉर्मेटिंग का काम होता है, वो सारा का सारा हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। इमेज टाइप किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जेपीजी टू जीआईएफ टू जेपीजी, बिटमैप कैसे कन्वर्ट होते हैं, पीडीएफ कैसे बनती है, ये सारी चीजें हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। इमेज क्लोनिंग कैसे होती है, इमेज में हम चेहरों को किस तरह से क्लोन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा एडोब फोटोशॉप का एनवायरमेंट रहेगा, जिसमें बहुत सारे टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनसे हम इमेज में एडिटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी फिफ्थ यूनिट आती है, हमारा फिफ्थ चैप्टर है HTML फंडामेंटल्स। अब HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का काम होता है वेब पेजेस को बनाना, वेब पेजेस के अंदर टेबल्स कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, हाइपर लिंक्स कैसे बनते हैं, इमेज किस तरह से हम वेब पेजेस के अंदर इंसर्ट करते हैं, एप्लीकेशंस किस तरह से, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो होती हैं किस तरह से उनके लिए बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस कैसे बनाते हैं, ये सारा काम HTML के अंदर करेंगे और HTML के अंदर सीखेंगे। ये देखो ये HTML के अंदर ही सारे के सारे एप्लीकेशंस बनते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं, बटन बने हुए हैं, ये सारा काम जो है हम HTML के अंदर सीखेंगे कि HTML में किस तरह से हम कोड से इन कामों को करते हैं। ये हाइपरलिंक्स है जो ब्लू कलर में, जैसे हम वेब ब्राउजर के अंदर किसी भी वेब पेज को ओपन करते हैं तो सारी चीजें इस तरह से ब्लू लिंक्स में अपीयर होती हैं, और इन ब्लू लिंक के ऊपर क्लिक करते ही हमारे हाइपरलिंक्स कैसे एक्टिवेट होकर पेजेस को चेंज कर देते हैं, ये सारा काम HTML के अंदर होता है, ये सारा काम हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे और सीखेंगे। उसके बाद हमारी सिक्स यूनिट है एडवांस्ड वेब पब्लिशिंग जावास्क्रिप्ट। सिक्स्थ यूनिट में हम जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके से हम कौन सी फैसिलिटी जो है वेबसाइट के अंदर डालते हैं, जिसमें हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग के काम आती है, पासवर्ड स्क्रीन बनती है ब्रांचिंग स्टेटमेंट से, लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम की लेंथ को रिड्यूस करके हम प्रोग्राम को शॉर्ट करके कोड्स को यूज कर सकते हैं, इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, अलर्ट बॉक्सेस कैसे आते हैं, डायलॉग बॉक्सेस कैसे बनते हैं जावा के अंदर, इस तरह के जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो अलर्ट बॉक्सेस बोलते हैं, इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं जैसे ओके या कैंसिल पे, या जब हम लॉग इन करते हैं उस पर इस तरह के मैसेजेस आते हैं, सारा काम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम करेंगे। इसके अलावा जावा के अंदर किस तरह से इस तरह के इफेक्ट्स बनते हैं, किस तरह से इवेंट्स बनते हैं, ये सारा काम हम जावा के अंदर सीखेंगे। उसके बाद हमारी सेवंथ यूनिट है, हमारा सेवंथ चैप्टर है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, साउंड एंड वीडियो एडिटिंग। इस यूनिट के अंदर हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन और साउंड और वीडियोस की एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम नेचर ऑफ साउंड, साउंड का नेचर कैसा होता है, कैसे काम करती है, कैसे ट्रेवल करती है, कैसे कन्वर्ट होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोफोन्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, माइक की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, साउंड ट्रैक और एडिटिंग कैसे होती है,
उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। साउंड मिक्सिंग कंसोल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो डीजे के डीजे या साउंड रिकॉर्डिंग के काम आती हैं कंसोल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो किस तरह से एडिट करते हैं, वीडियो में किस तरह से एडिटिंग होती है, कैसे डायलॉग रिप्लेसमेंट होती है, कैसे हम वीडियोस के अंदर इफेक्ट डालते हैं, जैसे मूवी या शादी ब्याह की मूवीज भी देखेंगे, आपने वेडिंग मूवीज देखी होंगी या मूवीज जैसे हम देखते हैं टीवी में, उनके अंदर किस तरह से इफेक्ट ऐड किए होते हैं वो उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज डबिंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम विंडो मूवी मेकर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम अपनी 7 यूनिट्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के लिए सिलेबस की इंट्रोडक्शन ही काफी थी, कल फिर हम अपनी फर्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।